हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि ये ओड के क्यों बैठी है। सो मैं आपको बता दूं कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, बट बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा वाली तेज़, जो मेरी बर्दाश्त से तो बाहर ही है। आज हम लोग मॉर्निंग में गए भी थे, थोड़ा चले और वहाँ गए, थोड़ा बहुत योगा किया, बट इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा ठंड लगी, तो फिर हम लोग भाग भाग के वापस आ गए। तो बेसिकली इतना कुछ खास कुछ किया नहीं, और रास्ते में फिर थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी हो गई तो ठंड घुस गई। तो तब से लेके अब तक मैं अंदर ही घुसी पड़ी हूँ, मुझे यहाँ से निकलने का मन ही नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मुझे आज व्लॉग करने की भी कोई इच्छा नहीं हो रही थी, बट मैंने सोचा क्यों नहीं, आज थोड़ा मौसम ऐसा है तो आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। सो आज मुझे इतनी ठंड लग रही है ना, इतनी ठंड मुझे ठंड के मौसम में भी नहीं लगती है नॉर्मली, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। तो अब धीरे धीरे सारे काम निपटाने के लिए यहाँ से उठना तो पड़ेगा, मैं यहाँ जमकर बैठ चुकी हूँ। लेट्स गो। ये इन्हें मैंने अभी चावल डाले हैं, तो अरे भाई भाई, भाई। उड़ जाते हैं ये थोड़ी सी भी आवाज़ सुनते ही, छोटी छोटी चिड़ियाएं हैं। ढूंढ रही है क्या ये? मैंने बहुत सारा डाला था, इतने में खा गई है? फिर से ले आती हूँ, लेट्स सी उसके बाद क्या करते, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। लेट्स सी अब आती है कि नहीं, बिकॉज बूंदा बूंदी हो गई, इसमें आपको दिख भी रहा होगा, तो पता नहीं, पर डाल के तो देखती हूँ। वहाँ पड़े, वहाँ अब आएंगे कि नहीं। इतनी ठंड में गरम गरम मूंग का नाश्ता, हेल्दी मूंग, और इसमें कोई भी मसाला नहीं है, बिकॉज मसाले आजकल मेरे को सूट हो ही नहीं रहे। सो ये जस्ट नॉर्मल नमक है, और बाकी की सारी चीज़ें जीरे का पाउडर, ये वो। तो लेट्स हैव दीज। सी मौसम बिल्कुल एकदम साफ ही है, ऐसा कोई बारिश ऐसा हो नहीं रहा है, मतलब मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काले काले बादल थे, बट अभी ये थोड़ा बहुत पानी गिरा है तो गिरा है, पानी नहीं है, बट हवा बहुत चल रही है और बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हो गया है, ठंड सी लग रही है एकदम, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और प्लस आज मेरे को हेयर वॉश भी करना है, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा गर्म पानी चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा, आई मीन बहुत ज़्यादा का मतलब मैं बहुत ज़्यादा गर्म यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन पानी मुझे ज़्यादा चाहिए होता है, जो गैस पे पॉसिबल नहीं था, तो ये वाला जो चूल्हा है वो मम्मी ने यहाँ पे लाके ऊपर लाके रखा हुआ है, बिकॉज़ नीचे बूंदा बूंदी हो रही है तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं था। और नीचे जो वो पत्थरे हैं, पत्थरे आई थिंक पत्थरे ही बोलते होंगे उनको, उनकी हालत तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ कि बंदरों ने कैसी कर रखी है। या इसमें बहुत मज़ा आ रहा है, हाथ भी सेक रही हूँ मैं साथ साथ में बैठ बैठ के, गरम गरम फीलिंग भी आ रही है, और पानी में भी ऐसे भाप निकलनी स्टार्ट हो गई है। गाइस, इस वक्त हमें कहीं अर्जेंट निकलना है, एक्चुअली अर्जेंट काम आया है बैंक का एक, तो मुझे और मम्मी को वहाँ जाना है। सो जितनी भी प्लानिंग थी ना हेयर वॉश एंड ऑल की, वो सब फ्लॉप हो गई अभी के लिए, बट हम निकलने के लिए रेडी बैठे हैं, बट मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि मौसम थोड़ा सा वो हो रहा है, बट बारिश नहीं हो रही है, बट अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बूंदा बूंदी हो रही है, सो रेनकोट पहनने की तैयारी हम कर रहे हैं, आई थिंक रेनकोट पहनना पड़ेगा, इतनी बारिश हो रही है।
थके हारे हम घर तो आ चुके हैं, बट सर में जो दर्द हो रहा है ना, मतलब एक्सप्लेन करने से बाहर है ये वाला दर्द। इतना दर्द हो रहा है ना, फटी जा रही है नसें अंदर की, ऐसे कान से लेके ये सर की। पता नहीं अब पूरा दिन क्या करना है, दिन तो क्या करेंगे, पूरा दिन तो निकल ही गया है। वैसे 3:30-4 हो गए हैं और ये सर में दर्द बहुत हो रखा है, तो फिलहाल मैं सोने वाली हूँ। पता नहीं आज का ये व्लॉग कितना करने वाली हूँ मैं, और इतू सा बन के रह जाएगा आई थिंक। कॉफी टाइम। अंदर भी एक इंसान खड़ा खड़ा आई थिंक कॉफ़ी या चाय कुछ तो पी रहा है। मैं भी कॉफ़ी पी रही हूँ, बट कॉफ़ी पीने के बाद नींद आनी चाहिए यार, बहुत सर दुख है। वैसे आज मेरे पास बहुत बहुत काम था, पर आई डोंट थिंक कि मैं वो काम करने वाली हूँ, और बहुत खुजली आ रही है बीक बीक के। और अभी मैं नहाने की भी मेरे अंदर बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है, और कुछ भी करने की कैपेसिटी नहीं है, बस कॉफ़ी पीने की है और उसके बाद थोड़ी सोने की है। सो गाइस, ये दो पार्सल आए हैं, इसमें से एक मेरा है, ये वाला मेरा है आई थिंक, ये मम्मी का है क्योंकि इस पे आए हैं बने हुए। सो मम्मी को पता नहीं है कि इसमें क्या आया हुआ है, मैंने जस्ट बोला है कि ऐसी चीज़ उनको चाहिए थी और मैंने मंगवाई है, आई कैसी होगी ये भी नहीं पता, बट लेट्स सी, उनसे ही खुलवाते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है।